जय साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं गाइस आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। गाइस बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर की न्यू वैकेंसीज के बारे में। अभी दोस्तों आपको पता है अभी आपकी न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं 2021 वाली, ठीक है। आपको भाई नोटिस मिला होगा आपकी जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों आपका हाइट चेस्ट वेट क्या होना चाहिए गाइस, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास कौन सा होना चाहिए, HMV होना चाहिए फिर LMV होना चाहिए, बहुत सारे डाउट थे बैठते हुए। तो आपके लिए फाइनली वीडियो गाइस आ चुकी है। आपको दोस्तों मैं A to Z जानकारी देने वाला हूँ, आपको दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आपकी वैकेंसीज के रिगार्डिंग कि आपकी गाइस कितनी यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं अगली बार 2021 में दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। नंबर ऑफ पोस्ट अगर दोस्तों बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, 1215 टोटल पोस्ट है आपकी अबकी बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, यहाँ पे 1215 पोस्ट, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। अगर दोस्तों आप प्लस टू पास हो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 1215 पोस्ट है आपकी। अब डाउट था कि सर हमारे पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए। गाइस देखिए अबकी बार उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। अगर हम बात करें लाइसेंस के रिगार्डिंग, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, लाइसेंस जो गाइस आपका लाइसेंस है यहाँ पे ना कि LMV है, इसमें आपसे मांगा गया HMV। HMV मतलब दोस्तों हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, HMV। और अब एक बात और आती कि सर हमारे पास इसमें जो भी हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो गाइस देखिए आपके पास यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास यहाँ पे लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है, तब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करें एज लिमिट के रिगार्डिंग। बहुत सारा डाउट था कि सर मेरी इसमें एज सर कम तो नहीं रहेगी, सर इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सर इसमें एज क्या मांगी गई है। अगर हम दोस्तों बात करें एज के रिगार्डिंग, आपकी जो यहाँ पे एज है 21 से 30 साल यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए, 21 से 30 तक आप गाइस ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जो भी SC ST हैं उनको यहाँ पे 5-5 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है, आप ये फॉर्म 35 साल तक फिलअप कर सकते हो जो भी SC ST वाले अभ्यर्थी हैं, ओके। और अभी दोस्तों हम बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है फिर नहीं होती है। गाइस देखिए भाई जैसे कि आपका पैटर्न दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का था वैसे ही बिल्कुल वैसे पैटर्न यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है। आपकी अभी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी जो फॉर्म है। दोस्तों एक अहम मुद्दा था कि सर ये फॉर्म हम कब से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करते फॉर्म के रिगार्डिंग, फॉर्म अप्लाई गाइस मई के महीने से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। मई के महीने से दोस्तों आप ये फॉर्म में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। गाइस जो आपके वैकेंसी जो आ चुकी हैं 1215 टोटल पोस्ट हैं आपकी, आप मई के महीने से इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं आपके PST के रिगार्डिंग। और एक डाउट था कि सर हमारे पास प्लस टू में मार्क्स कितने होने चाहिए। देखिए गाइज आपने इंडिया से कहीं से भी प्लस टू पास कर रखी हो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ये नहीं कि आपके जो मार्क्स हैं कम ज़्यादा हों ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, लेकिन आप प्लस टू पास और आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल आपके पास वो होना अनिवार्य है यहाँ पे। आगे हम दोस्तों बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट मतलब PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। गाइस बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हाइट के रिगार्डिंग कि हाइट कितनी होनी चाहिए आप सबकी यहाँ पे हाइट, जो कि गाइस बहुत अहम रोल निभाती है। हाइट क्या होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। आपकी जो हाइट है यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। तो अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बात करें यहाँ पे चेस्ट के रिगार्डिंग, जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपकी चेस्ट लगाई यहाँ पे कैसे से जैसे होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ओनली 4 सेंटीमीटर फुलाव आपसे मांगा गया है, ओनली 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा गया है। लेकिन जो आपकी चेस्ट है 81 से 85 होनी चाहिए और जो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। गाइस ये बात है आपकी PST की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। आगे हम दोस्तों बात करते हैं आपके PET के रिगार्डिंग। PET उससे आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आपकी रेस के रिगार्डिंग। आपकी जो रेस है गाइस यहाँ पे 1600 मीटर रेस होने वाली है, इसमें 1600 मीटर
जो आपको क्लिक करनी है गाइस 7 मिनट में, ठीक है। 7 मिनट में दोस्तों आपको क्लिक करनी है 1600 मीटर रेस। और आगे हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग जंप के बारे में। एज वो आपकी होने वाली है 12.5 फुट, ठीक है। और इसमें हाई जंप जिसको हम बोलते हैं गाइस, ऊंची कूद, वो गाइस आपका इसमें होने वाला है 3.5 फुट, ठीक है। ये गाइस दोनों फुट है, ठीक है गाइस। ये सब आपके पास यहाँ पे पीईटी में होना जरूरी है, तो ही दोस्तों आपका पीईटी क्लियर हो पाएगा, ओके। और गाइस अगर हम बात करें आपके यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपसे दोस्तों बता दूं मैं, 50 की आपकी दोस्तों जीके आने वाली है गाइस यहाँ पे, और 10 नंबर का मैथ आएगा आपका, और दोस्तों 20 नंबर की गाइस आपकी जीके आएगी, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। मतलब दोस्तों टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन का भाई 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। आपका भाई कुछ भी डाउट बचे फिर भी इसके रिगार्डिंग, आप दोस्तों मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे पूछ सकते हो भाई ये चैनल आपका, आपको सपोर्ट करना, आपका भाई कुछ भी डाउट हो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैंने गाइस आपकी हाइट चेस्ट वेट के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। गाइस देखिए भाई, वेट एक अहम मुद्दा आता है कि सर हमारा वेट कितना होना चाहिए। गाइस देखिए, आपका जो वेट है 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ऊपर हो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 50 से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। मैंने गाइस आपको हाइट चेस्ट वेट के रिगार्डिंग जानकारी दे दी है, आपका पीएसटी पीटी के बारे में बता दिया, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए। गाइस मैंने ए टू जेड पूरी जानकारी आपको दे दी है, मई के महीने से दोस्तों आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। गाइस अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और भाई आपका कुछ भी डाउट हो वीडियो के नीचे भाई कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच।